बहुजन आंदोलन ने सत्यानाश किया, ये कर्मचारियों का आंदोलन चलता है, गंजे को पूरा सारे गंजों को कंघी पे डालते हो, ओ जो है ब्राह्मणों को गाली देंगे, ब्राह्मण बात को गाली देंगे, लोग खुश हो जाएंगे, क्या बढ़िया भाषण दिया, अरे सत्यानाश करा दिया है, उन लोगों ने सत्यानाश किया। सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के जो वकील हैं, इनसे बचो भाई, ये सारे मुकदमे हरवा रहे हैं। वो आरक्षण का लाभ ले रहा है, संविधान का फायदा ले रहा है, अगर हम आवाहन न करते तो मामला ठंडा होता, और जब एक बार ठंडा हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए कल फैसला करके आज का यह सांकेतिक धरना रखा गया है, ताकि देश में मैसेज जाए और जगह आंदोलन शुरू हो। विषय क्या है मैं बता देना चाहता हूँ, विषय यह है कि उत्तराखंड की जो बीजेपी की सरकार है, 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में महंगे वकील खड़ा करके उन्होंने दलील दिया कि जो आर्टिकल 16(4) और 16(4A है, ये फंडामेंटल राइट नहीं, आरक्षण सरकार दे या न दे ये इसके ऊपर निर्भर है, अर्थात आपके आरक्षण को खत्म कर दिया, और ये समाज सोया रहा। होना ये चाहिए था कि उसी दिन संडे को लोगों को निकल पड़ना चाहिए था, पूरे देश के अंदर जगह जगह पर निकल पड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी दो मांगे हैं, एक मांग यह है कि ये बीजेपी की सरकार का किया कराया है, ये दुरुस्त करे, संसद से दुरुस्त करे, जैसे भी दुरुस्त करना है, नहीं हम पूरे देश स्तर पर इनके खिलाफ में आंदोलन करेंगे। दूसरी हमारी मांग है, यह हमारे साथी डॉक्टर ओम सुधा जी ने कहा, उन्होंने ही बल्कि ये नाम दिया, ट्विटर पर वोटिंग भी कराई, इस बात के ऊपर वोटिंग कराई गई थी कि जनेऊ पालिका और ब्राह्मण पालिका इसको क्या कहा जाए, तो ज्यादातर वोट पड़ा है ब्राह्मण पालिका, तो ये ब्राह्मण पालिका और जनेऊ पालिका है, और जो पूरी व्यवस्था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का असंवैधानिक है, यह भी मैं बता दूं, संविधान में कहीं भी अधिकार नहीं दिया गया है कि जज बनाने का काम करेंगे, ये बहुजन आंदोलन की गलती रही, बहुजन नेताओं की गलती रही कि 1993 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जजेज बनाएंगे, ये बहुजन नेता क्या कर रहे थे, ये चाहे मायावती जी हो, लालू जी हो, मुलायम जी हो, अगर उस समय इस मुद्दे को उठा दिया होता तो आज इतने बुरे दिन देखने का नहीं होता। ये समाज केवल इमोशन पर चलता है, हमारे जो बहुजन आंदोलन है ये सब गंजों को कंघी बेच रहे हैं, मुद्दा कुछ नहीं है, न रोटी का है, न रोजी का है, न आरक्षण का है, न बैकलॉग के ऊपर भर्ती का है, न जमीन का है, न स्कॉलरशिप का है, न हॉस्टल का है, न वजीफा का है, और न स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान, जो पैसा आता है वो लागू होता है, वो नहीं है। वाइस चांसलर बनाना, प्रोफेसर बनाना, एक किसी बहुजन मूवमेंट का हिस्सा नहीं है, ये सब बहुजन मूवमेंट दो काम करते हैं, एक ने कह दिया कि सत्ता आएगी, तब तक करो इंतजार, तब तक सब तो हो जाएगा, समाप्त हो भी समाप्त किया, इन्होंने ही समाप्त किया, ये बहुजन आंदोलन ने ही सारा सत्यानाश किया, हम दूसरों को दोषी नहीं देते, क्योंकि पूरा जब समाज की ताकत और वोट वहां मिलेगा तो दूसरी पार्टी क्यों लड़ेगी भाई, ये संसद भी खाली, सड़क भी खाली, लड़ाई लड़ा नहीं, और ये जो समाज पागल होकर के हम सत्ताधारी बनेंगे, अरे भाई जाति व्यवस्था और मजबूत हुई है, 15% 16% दलित है, उसमें फिर जातिवाद है, कहां से सत्ता तुम्हें मिल जाएगी भाई, सत्ता के मालिक कहां से बन जाओगे, सत्ता में भागीदार बन सकते हो, सत्ता में भागीदारी की लड़ाई लड़े होते तो बहुत आगे चले गए हो, चूंकि रोज लड़ते फिर
रोज सड़क पर आते, महंगाई है, बिजली है, सब आरक्षण है, अत्याचार है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान है, प्रोफेसर बनाना है, एक्टर बनाना है, जर्नलिज्म में, मीडिया में, इसकी लड़ाई रोज होती है। ये बहुजन आंदोलन ने सत्यानाश किया, ये कर्मचारियों का आंदोलन चलता है, गंजे को पूरा सारे गंजे को कंघी बेच डालते हो, ओ जो है ब्राह्मणों को गाली देंगे, ब्राह्मण बात को गाली देंगे, लोग खुश हो जाएंगे, क्या बढ़िया भाषण दिया, अरे सत्यानाश करा दिया, उन लोगों ने सत्यानाश किया, वो कर्मचारियों ये सत्यानाश किए। हम अकेले 1997 अशोक जी रेलवे से हैं, अटोटिया जी हमारे साथी रहे, हमारे साथी अश्विनी शंकर जी यहाँ आए सपोर्ट करने के लिए, डूटा के नेता हैं, इंटक के नेता हैं, ये हम अकेले मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहे, भागीदारी की लड़ाई रहे, संसाधन के स्रोतों में हमारी भागीदारी होना। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आरक्षण से शिक्षा आई और चेतना आई, चेतना से आरक्षण नहीं आया और शिक्षा से नहीं आया। अगर चेतना शिक्षा से आई होती तो चमार पासी खाटी धोबी का भी भेद मिट गया होता। जातिवाद बढ़ा है हम लोगों में, अब सुधर जाओ, बर्बाद तो हो चुके हो, 70-80% तुम्हारा जा चुका है। ये बहुजन के आंदोलन, मैं आपसे भी कहूंगा, ये गंजे को जो कंघी बेच रहे हैं, ये कैडर कैंप करते हैं, गंजे को कंघी बेचते हैं, सब गंजे बने हुए हैं और सब खरीद रहे हैं केवल भावनाओं के ऊपर। हमने भावनाओं की लड़ाई नहीं लड़ी, हम भागीदारी की लड़ाई, हिस्सेदारी की लड़ाई, आंदोलन की लड़ाई, सड़क की लड़ाई, लोकपाल में आरक्षण की लड़ाई, निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई लगातार लड़ते रहे। निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ना, 81st, 86th, 82nd, 85th अमेंडमेंट हमने करा के आरक्षण बचाया, 2006 में हमने रागराज केस में पैरवी किया। एक बात मैं और बता रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के जो वकील हैं, इनसे बचो भाई, ये सारे मुकदमे हरवा रहे हैं, कास्ट के नाम पर हमारे लोग चले जा रहे हैं, सारे मुकदमे का सत्यानाश यही लोग करा रहे हैं। अभी वो परिस्थिति नहीं आई, ट्रायल हमारे मरी इंसानों के ऊपर ट्रायल नहीं होता, जानवरों के ऊपर होता, जबा का जो ट्रायल होता है ये इंसानों के ऊपर ट्रायल कर रहे हैं कि हम शेड्यूल कास्ट के हैं, तुम्हारा मुकदमा लड़ेंगे। इसमें भी शेड्यूल कास्ट का ही लॉयर था जिसके वजह से हम हारे, नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो ये जो जूनियर शेड्यूल कास्ट के लायर हैं, इनसे भाई बचो और सब जगह प्रचार कर दो कि इनके पास मत जाए। अरे जब परिस्थिति बनेगी, क्योंकि इंसानों के ऊपर आप प्रयोग थोड़ी करेंगे दवा का, इंजेक्शन का, वो तो मर जाएगा, यही हो रहा है। तो हमारी दो मांग है इसमें, एक मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में SC ST OBC का आरक्षण होना चाहिए। दूसरी बात है, ये सरकार का, बीजेपी सरकार का करा धरा है, वो सही करके हमें दे, नहीं हम पूरे देश के अंदर आंदोलन हम करेंगे। हमारी यही सीधी मांग है भाई, अगर आपने निकले नहीं तो घरों से, अगर आपने निकले नहीं, आंदोलन का रूपरेखा बड़ा नहीं किया, तो अब ये समझ लो कि खत्म है सब। आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में है, मैं कहूँगा कि आज कोई फैसला आप लें और फिर बड़ा आंदोलन यहाँ खीर करें। आज से पूरे देश में एक मैसेज तो चला जाएगा, हमारा मकसद था एक मैसेज भेज देना, और संभवतः आज से पूरे देश में मैसेज चला जाएगा, वरना ये हो जाता मामला ठंडा। तो ठंडा न होने की वजह से हमने 18 घंटे के अंदर फैसला लिया है, नहीं ये कूल हो जाता। तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि अब अपनी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन की जो आइडेंटिटी और अहंकार है उसको खत्म कर दो, हम समाप्त हो चुके हैं, और जातिवाद समाप्त कर दो। मैंने एक बोला है कि हम सवर्णों को हमेशा नेता मानते रहे, तो क्या क्या गलत है कि अगर चमार नेता माने वाल्मीकि को, वाल्मीकि चमार को नेता माने, और फिर वाल्मीकि खटिक को माने, खटिक धानुक को माने, धानुक वाल्मीकि को नेता माने। ए भाई, जब तक नहीं शुरू करोगे तब तक ये जो एकता बनेगी नहीं, और इसी ने सत्यानाश कर दिया। एक जाति सत्ता में आ सकती है क्या?
एक जाति आरक्षण बचा सकती है क्या? कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए अब कम से कम इतने अनुभवों के बाद ये होना चाहिए, कांग्रेस ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया जिसमें अश्विनी शंकर जी की भी भूमिका रही। 16 तारीख को कांग्रेस पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रही है इस पर। 16 तारीख को काफी ने बताया 16 तारीख 16 का है। और हम आरजेडी से और एसपी से भी संपर्क करेंगे, बहुजन समाज पार्टी से कोई उम्मीद नहीं। एक है कोई आदमी जाके कहे जूता पड़ेगा, वो उसके एक तो मिलेगी नहीं और दूसरा जूता मारेगे, तू मुझे बताने आया है? यही कहेगी वो मायावती। तो ये दो बड़ी पार्टियां हैं और पार्टियों से आप भी संपर्क करें, तब जा करके इन जो ये हमारे निकम्मों ने जो कहा था, अरे ये 2% नौकरी वालों के लिए थोड़ी लड़ना है, हमें तो सत्ता लेना है, ये नौकरी भी चली गई। इन नालायकों ने किया है, हमारे लोगों ने जो आया वो भी हमारे हाथ से निकलवा दिया इन्होंने बरगला करके। चूंकि अधिकार को लड़ाई लड़ने के लिए मेहनत लगती है, जिम्मेदारी होती है, लगातार बने रहना पड़ता है और जातीय भावना के आधार पर एक बार बोल दो 5 साल में, कभी सत्ता प्राप्त रैली कर लो, थूथू रैली कर लो, कभी स्वाभिमान रैली कर दो, इसी से काम हो जाता है। कभी मंदिर की लड़ाई लड़ लो, मंदिर से एक चूहा निकाल पाओगे, चपरासी निकाल लोगे? दूसरी वैरायटी के जो नेता पैदा हो रहे हैं उनसे भी सावधान रहिए, ये अनपढ़ नेता हैं, एजुकेटेड नेता नहीं, इनसे भी सावधान रहिए। ये जो नौजवान लोग नीला पहन करके डंडा लेके निकल रहे हैं, ये सोच रहे हैं बड़ा काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो कासीराम जी और मायावती के नेतृत्व में निकले थे, क्या परिणाम निकला? जहां विवेकशील नेतृत्व न हो, समझदार नेतृत्व न हो, ये ऐसे नेता जो यूनिवर्सिटी से नहीं निकले हैं या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मैच्योर नहीं हैं, बुद्धिजीवी नहीं हैं, 150 कारों का लश्कर देखा, 1000-2000 आदमी देखा, पुलिस के द्वारा सलाम देखा, अखबारों में और मीडिया में नाम देखा, बौरा जाते हैं, पगला जाते हैं, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ऐसे लोगों से बचो। एक नया पैदा हो रहा है, ऐसे लोगों से बचो। क्यों नहीं, बीपीसीएल बिक रहा है उस पर इकट्ठा हो जाते हैं भाई, तुम मंदिर बनाने जा रहे हो उस पर भी इकट्ठा हो जाओ, बीएसएनएल बिक रहा है तुम क्यों नहीं उस पर इकट्ठा होते हो, एयर इंडिया बिक रहा है इकट्ठा हो, अरे रोजगार बच जाएगा, भागीदारी रह जाएगी, वहां पर तो इकट्ठा नहीं होगा क्योंकि जिम्मेदारी की बात, भावनात्मक बातें करेंगे उसमें समाज चल भी देता है ना, भावनात्मक बातों में बड़े आसानी से समाज निकल जाता है, समझदारी से काम लीजिए समाज को, मैं कह रहा हूँ। बड़ी गलतियां हैं, अब न गलती ऐसा नेतृत्व न पैदा होने पाए कि भावना के आधार पर लोगों को इकट्ठा करे और गंजों को कंघी बेचे। आप हमसे पूछो कि क्या उदित राज तुम दे रहे हो, क्या परिसंग दे रहा है, क्या विनोद दे रहा है, क्या ओम सुधा दे रहे हैं, क्या ये हमारे वीर सेन दे रहे हैं, कलीराम जी दे रहे हैं, हमारे मंडावली से हैं विक्रम जी, क्या दे रहे हैं सिमार, क्या दे रहे हैं? सवाल पूछो, दे क्या रहे हो? भावनाओं से मत बहो, भावनाओं ने बर्बाद कर दिया इस समाज को। अगर नहीं अभी भी समझे तो मामला तो खैर खत्म है। तो मैं यहीं से अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। आप लोग अब यहाँ आकर के आगे का विचार दीजिए कि क्या किया जाए। यहाँ हमने जो कहना था विषय रख दिया, विषय को आप मत रखिए, समझा दिया पूरा। मैं बटे डिटेल में नहीं जाना चाहता, 16-4 और 16-4A में कोई एकेडमिक बहस नहीं है, मोटा मोटी आरक्षण समाप्त हुआ है। आइए आप भी बताइए आप क्या आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। एक बार हमारे रेलवे के साथी LIC GIC बैंक सारे मिले थे, आरक्षण हमने बचा लिया था,
एक बार फिर से इकट्ठा हो करके हमें बचा लेना है, बचाने ही नहीं बल्कि एक बड़ा काम करना है उच्च न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण इस बार लेके रहना है। ये लड़ाई अब हम लोगों को चालू करना है। इस विषय पर किसी का योगदान, आगे का कोई धरना प्रदर्शन, रूपरेखा, उसके बारे में यहाँ कहना चाहिए, जो कि वक्तव्य से हालात नहीं बदलेंगे, भाषण से आदत नहीं बदलेंगे। अभी एक्शन का टाइम आया है, एक्शन का टाइम है, ये सेमिनार नहीं है। यही मैं आपसे कहूँ, आप क्या कहना चाहते हैं भैया, आइए आइए। सर दो क्या है बोलो फिर, सर सुनो।